हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड, जो हमारा थर्ड सेमेस्टर बीएससी एजी वालों का सब्जेक्ट है। इसमें हम फर्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंसेक्ट इकोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या है, इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होती है, इसमें इसका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इसका एनवायरनमेंट के साथ क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या एबायोटिक फैक्टर्स हैं, क्या बायोटिक फैक्टर्स हैं, कितनी रेनफेल चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना एटमोसफेयर, जो भी सब चीज़ें हैं, जितनी भी हमारे सारी चीज़ें हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे। क्या हमारा बायोटिक फैक्टर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पर, कैसे वो फूड के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, क्या हमारे एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस है, हम सभी चीज़ों के बारे में इंसेक्ट इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा इंसेक्ट इकोलॉजी। देखो एंटोमोलॉजी क्या होता है, एंटोमोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि जिसमें हम किसी भी इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सारे इंसेक्ट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा एंटोमोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो इकोलॉजी वर्ड है वो क्या है। ये जो इकोलॉजी हमारा वर्ड है, इकोलॉजी जो वर्ड है, ये हमारा एक तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। सेकेंड इसमें बात आती है कि ये जो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकॉस प्लस लोगस। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है ओइकॉस प्लस लोगस। ओइकॉस का मतलब होता है होम, लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, ओइकॉस का मतलब होता है होम, लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो इंसेक्ट है उनके घर की स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स अबाउट रिलेटेड टू देयर हैबिटेट, रिलेटेड टू देयर होम, यानी कि उनका क्या हैबिटाट है, कैसा हैबिटाट है, उसको किस तरह के जो है टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, किस तरह के रेनफॉल की ज़रूरत होती है उनको रहने के लिए, उन सभी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में हम इकोलॉजी में या एंटोमोलॉजी सेकेंड में हम जानेंगे, जो हमारा बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें अब ये जो इकोलॉजी वर्ल्ड है, ये फर्स्ट जो हमारा राइडर थे 1885 में, इन्होंने फर्स्ट इसको नेम दिया था, ये साइंटिस्ट थे हमारे राइटर, इन्होंने हमारा 1885 में इसको नाम दिया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको फर्स्ट खोजा किसने था, जो डेवलप्ड जो किया गया था वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने इनको फर्स्ट किया था इंट्रोड्यूस किया था 1869 में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू ओडम एक साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग 1953 में इन्होंने इकोलॉजी को क्या बताया था, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ये क्या है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इसके बारे में ओडम के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि जो एंटोमोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, नेचर के साथ क्या क्या फंक्शंस हैं इंसेक्ट्स के, इसकी स्टडी करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू ओडम था। ठीक है, कि इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनको दो भागों में बांटा गया है, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, एबायोटिक और बायोटिक, मतलब सिंपल सी बात है जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, लिविंग थिंग्स और ये नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को। देखो किस तरह से रेफर करता है एबायोटिक। ठीक है, ये बायोटिक लिविंग थिंग्स, जो लिविंग होती हैं, जैसे कि जितने भी हमारे सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, ओमनिवोरियस इंसेक्ट्स, कार्निवोरियस इंसेक्ट्स, देखो अब तक हमने एनिमल्स पढ़ा था लेकिन अब हम पढ़ेंगे ओमनिवोरियस इंसेक्ट्स, कार्निवोरियस इंसेक्ट्स के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बायोटिक में आती हैं, जैसे कि टर्माइट होती हैं, ये मतलब जो लिविंग थिंग्स को रेफर करती हैं, जो लिविंग थिंग्स हमारे इंसेक्ट्स से रिलेटेड होते हैं। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेम्परेचर, एयर, वाटर, रेनफॉल, इन सभी चीज़ों को ये रेफर करता है। ठीक है,